विजडम जस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। आज हम हिंदू एडिटोरियल और हिंदू के अखबार और करंट अफेयर्स को डील करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आज की करंट अफेयर्स में पहला जो टॉपिक है, डीलिमिटेशन पैनल फॉर जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सेटअप। डीलिमिटेशन पैनल फॉर जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक डीलिमिटेशन पैनल सेट हुआ। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई टू हेड कमीशन। ये डीलिमिटेशन जो पैनल को और डीलिमिटेशन पैनल का जो कमीशन है, इस कमीशन का हेड हो गया एक्स जज रंजना प्रकाश हो गया। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज था रंजना प्रकाश, और एक्स सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई को ये डिलिमिटेशन का पैनल का कमीशन को हेड के तरह अपॉइंट किया। अभी देखना है डिलिमिटेशन क्या होता है, ये डिलिमिटेशन पैनल क्या होता है, और ये डिलिमिटेशन पैनल का क्या इंपॉर्टेंस है, और इसका फंक्शन क्या होता है, एक बार देखते हैं हम। द डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन, इसको बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन को बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। और डिलिमिटेशन का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन डिलिमिटेशन का ये हो गया कि बाउंड्रीज, जितने भी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के बारे में तय करना, उस बाउंड्रीज को, मतलब जैसा कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और उसके जो बाउंड्रीज को डिसाइड करना और उसके बाउंड्रीज को तय करना ही इसका काम हो गया डिलिमिटेशन का। द डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एस्टैब्लिश करता है डिलिमिटेशन कमीशन के जो प्रोविजंस होते हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्ट के प्रोविजंस होते हैं, उस प्रोविजन के हिसाब से इस डिलिमिटेशन का पैनल जो है, कमीशन है, इसका अपॉइंटमेंट होता है। द मेन टास्क ऑफ द ऑफिस, द मेन टास्क ऑफ द कमीशन इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस असेंबली एंड लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन रिसेंट सेंसस। जैसा कि सेंसस है, जनाबा जैसा है, पॉपुलेशन जैसा है, और वो पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस रिसेंट का सेंसस के हिसाब से, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का रीड्रा करना, और उसके जो बाउंड्रीज को बढ़ाना, कम करना, और सेंसस के हिसाब से ये बाउंड्री लाइन देना, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो विस्तार है, एक्सटेंट है, उसको बढ़ाना, कम करना, ये तो काम हो गया डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया कि जितने भी पार्लियामेंट में लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीड्रा करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाना, कम करना, और ये तो चीज़ हो गया रीड्रा करना और बाउंड्रीज को सजेस्ट करना, सेंसस के हिसाब से, किसके हिसाब से, सेंसस का मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से ये बाउंड्रीज का रीड्रा करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम हो गया, उसका फंक्शन हो गया, राइट। द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002। जो प्रेजेंट ये जो डिलिमिटेशन जो पैनल है, कमीशन है, वो 2001 के सेंसस से काम कर रहा है, 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से काम कर रहा है, और ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना हुआ था 2002 में, और ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अनुसार अभी जो डिलिमिटेशन का पैनल काम कर रहा है, और उस एक्ट के अनुसार काम कर रहा है। द कमीशन इज अ पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी हुज ऑर्डर्स कैनॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ से भी सवाल बन सकता है दोस्त, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सवाल यहाँ से बन सकता है। द कमीशन इज अ पावरफुल, ये बहुत शक्तिशाली कमीशन है, एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया ये, हुज ऑर्डर्स कैनॉट बी चैलेंज्ड इन एनी
कोर्ट इसके जो ऑर्डर्स दे दिए और ये कमीशन का जो ऑर्डर्स को कोई कोर्ट के पास चैलेंज नहीं हो कर सकते, कोई कोर्ट के पास पिटीशन नहीं डाल सकते। ये इसका जो ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये बहुत पावरफुल है। ये इसलिए पावरफुल है कि जब इसके ऑर्डर्स को कोर्ट के आगे पिटीशन डालना और कोर्ट के आगे चैलेंज करना मौका नहीं है, चैलेंज करने का मौका नहीं है, इसलिए ये पावरफुल बॉडी हो गया। नेक्स्ट, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच ए मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट रिमेन द सेम थ्रू आउट द स्टेट। अब जैसा कि हर एक स्टेट कई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह डिवाइड हो गए हैं, जैसा कि स्टेट में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहते हैं, और ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसा डिवाइड होते हैं हर स्टेट में, ये वहाँ पर जो सेंसस है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अनुसार और उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है, और वहाँ के सीट्स कितने हैं, उस सीट्स उस स्टेट के सीट्स कितने हैं, और ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने हैं, यहाँ पर जो सीट्स और पॉपुलेशन के बीच जो प्रोपोर्शन होता है उसके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूएंस का रीड्रा करना और बाउंड्री को सजेस्ट करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम हो गया। अगला स्लाइड हो गया, हम इस टॉपिक को जारी रख रहे हैं। अब अगले स्लाइड में द कमीशन विल बी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। देखिए अभी जो फिलहाल जो कमीशन डाला गया है गवर्नमेंट से, वो कमीशन के हेड है जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, एंड विल हैव इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमीशन। देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज हमें बताना पड़ेगा कि अभी जो ये डिलिमिटेशन का पैनल बना और इस कमीशन के हेड हो गए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, और इसके जो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर हो गए इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए इस कमीशन के, राइट। इसके हेड कमीशन के हेड हो गए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, और कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए ये तो इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स एंड यूटीज विल आल्सो बी द मेंबर्स, और इसमें जितने भी स्टेट्स हैं और स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर्स और यूटीज यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन कमिश्नर्स भी इसमें मेंबर्स है। देखिए इसके हेड हो गए इस कमीशन के रंजना प्रकाश देसाई, ये तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे और जज है, और यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, इलेक्शन कमिश्नर का कमिश्नर जो है इलेक्शन कमिश्नर हो गए सुशील चंद्रा, और स्टेट्स के हर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर और हर यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन कमिश्नर इसमें मेंबर होता है। देखिए हर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर और हर यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन कमिश्नर ये डिलिमिटेशन पैनल में मेंबर होता है, और इसके हेड हो गए सुप्रीम कोर्ट के फार्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। और ऑन फरवरी 28 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैड कैंसल्ड एन अर्लियर ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैड डिफर्ड द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एंड नागालैंड। द लॉ मिनिस्ट्री वाइल इश्यूइंग द ऑर्डर हैड सेड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द डिफरमेंट सीज टू एग्जिस्ट। यहाँ पर देखिए साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसा कि असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड, ये चार स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स माने जाते हैं। असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर और नागालैंड
जम्मू कश्मीर, ये पांच स्टेट्स में इससे पहले जो गवर्नमेंट के आर्डर्स थे, इसके पहले जो आर्डर्स थे गवर्नमेंट के, क्योंकि यहाँ पर लैंड आर्डर का प्रॉब्लम है इन स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में लैंड आर्डर का प्रॉब्लम है। वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लैंड आर्डर के साथ साथ वहाँ पर शांति की कमी है, पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं है, लैंड आर्डर का कमी है, वहाँ पर बहुत ही इमरजेंसी का वो पोजीशन ज़्यादा होने वाला है, और वहाँ पर लफड़ा होता है, वहाँ पर मामला ठीक नहीं है, और वहाँ पर इलेक्शंस को सुधार लाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीड्रा करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत वर्स्ट है, वहाँ का जो लैंड आर्डर पोजीशन है बहुत वर्स्ट है, वहाँ का जो शांति जो है वो बहुत ख़राब हालत में है, और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है इन सारे स्टेट्स में। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिन ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है ये स्टेट्स में, ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पोस्टपोन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अभी वहाँ पर लैंड आर्डर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर में अभी लैंड आर्डर सही हो रहा है। अभी वहाँ पर लैंड आर्डर सही हो गया, इसका मतलब ये हो गया वहाँ पर एक शांति का एटमॉस्फेयर बन जा रहा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एटमॉस्फेयर एक बन जा रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं और वो लोग में एक सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ गया। अभी हम वहाँ पर ये डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री शिवशंकर प्रसाद, लॉ मिनिस्टर जो है शिवशंकर प्रसाद आर्डर पास कर चुका है, आपकी डिलिमिटेशन जो पैनल अपॉइंट कर सकते हैं, और ये जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। ये तो लॉ मिनिस्ट्री, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री तय कर लिया, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट भी इससे पहले जो वहाँ पर डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज को मना करते हुए जो गवर्नमेंट रोक दी थी, और उस प्रपोजल को प्रेसिडेंट ने रद्द कर दिया, रामनाथ कोविंद रद्द कर दिया। अभी रामनाथ कोविंद एक ग्रीन सिग्नल दे दिए, जैसा कि लॉ मिनिस्ट्री अभी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को ग्रीन सिग्नल दी, अब वैसे ही रामनाथ कोविंद भी ये डिलिमिटेशन पैनल के अपॉइंटमेंट को, और उसके साथ साथ ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को ग्रीन सिग्नल दे दिए भारत के राष्ट्रपति, जैसा इससे पहले जो आर्डर था, और उस आर्डर को रद्द करते हुए रामनाथ कोविंद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को परमिशन दे दिए। अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में जारी होने वाला है, शुरू होने वाला है, राइट? ये तो हो गया। हाउएवर दिस एक्सरसाइज वॉज पोस्टपोन इन असम, इससे पहले जो पोस्टपोन हुआ था असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ऑन अप्रिहेंशन ऑफ थ्रेट टू पीस एंड पब्लिक आर्डर, जैसा कि इससे पहले जो पोस्टपोन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पीस, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मणिपुर में पीस नहीं है, पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं है, वहाँ पर पब्लिक सेफ्टी नहीं है, और बहुत सारा मुश्किल हो रहा था, उसलिए पोस्टपोन कर दिया था। वो अभी एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। द डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज अ पावरफुल बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैनॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। अब देखो, ये डिलिमिटेशन जो कमीशन है, और ये डिलिमिटेशन कमीशन बहुत पावरफुल है और बहुत शक्तिशाली है, और इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये इसका जो डिसीशन है, इसका जो आर्डर है वो फाइनल है, और इसके आर्डर को किसी कोर्ट के आगे सवाल नहीं कर सकते, किसी कोर्ट के आगे चैलेंज नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में पिटीशन डाला नहीं जा सकता, राइट? इतना पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडी है ये डिलिमिटेशन कमीशन, और ये डिलिमिटेशन कमीशन इसलिए पावरफुल है क्योंकि न्यायस्थान में, कोई भी अदालत में इसके जो आर्डर को, इसके जो डिसीशन को, और इसका जो फाइनलाइज किया हुआ वो जजमेंट को किसी कोर्ट के आगे सवाल नहीं कर सकते, किसी कोर्ट के आगे चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो हो गया
डिलिमिटेशन का। अब हमें यह जानना है, अब ये डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज अब रिसेंटली कौन से स्टेट्स में किया जा रहा है, जारी रखने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, यहां पर डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज अभी जारी होने वाला है, शुरू होने वाला है। यहां पर ये लॉ मिनिस्ट्री, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री के साथ साथ रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और लॉ मिनिस्टर जैसा रविशंकर प्रसाद, ये तो ग्रीन सिग्नल दे दिए इसका एक्सरसाइज को। अब ये एक्सरसाइज चलने वाला है, शुरू होने वाला है। अब इस एक्सरसाइज के जो मामले में यहाँ पर एक तो इस डिलिमिटेशन पैनल के जो कमीशन के हेड हो गए, वो तो जो फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे और वो शुरू कर रहे हैं ये फंडा, उसी तरह यहाँ पर एक ऑफिशियो मेंबर होता है इसका, वो तो सुशील चंद्रा हो गए, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, और स्टेट्स के जितने भी इलेक्शन कमिश्नर है और यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शंस कमीशन है, ये सब इसके सदस्य हो गए, सदस्य का मतलब मेंबर्स हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो वीडियोज़ जितने भी आ रहे हैं, आप इस वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।